नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। विधि महाविद्यालय की मान्यता रद्द किए जाने के खिलाफ आज छात्र संघ द्वारा कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की गई है कि लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विधि कॉलेज की मान्यता को विधिवत चालू रखी जाए। आपको बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा गुना के लॉ कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। आज हमने यहाँ पर कलेक्टर को जो लॉ कॉलेज की मान्यता के QR निरस्त कर दी गई है, फिर से पिछले साल की भांति उसको लेकर एक ज्ञापन दिया है। इससे पहले हम प्रिंसिपल से भी बात कर चुके हैं। जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं कि लगातार 2 सालों से परेशानी आ रही है। जब एडमिशन का टाइम चलता है, जब प्रवेश प्रक्रिया चल रही होती है, उसकी शुरुआत में लॉ कॉलेज की मान्यता निरस्त कर दी जाती है। अब मतलब इसमें आश्चर्यजनक बात भी है कि पूरे जिले भर में सिर्फ एक ही कॉलेज है जिसमें लॉ कराया जाता है, जिसमें विधि की पढ़ाई कराई जाती है। इसके बावजूद उसको लेकर ना तो कॉलेज प्रशासन सीरियस है, ना ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया सीरियस है। हम कहते हैं प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है, अगर उसको डाकिया बन के भी अगर जाना पड़े, इंस्पेक्शन के लिए उनको इन्वाइट करना पड़े तो करना चाहिए। इनकी वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से छात्र क्यों परेशान होंगे। और दूसरी तरफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी ये जिम्मेदारी है, जहाँ पर न्याय सिखाते हैं छात्रों को, वहीं पर 2 सालों से छात्रों का अन्याय कर रहे हैं, छात्रों का शोषण कर रहे हैं, उनका लगातार मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। उनकी भी जिम्मेदारी कि वो आकर इंस्पेक्शन करें। तो इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। मोर देन 1000 सिग्नेचर के साथ ये ज्ञापन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी दिया जाएगा। सिग्नेचर कैंपेन उसमें चल रहा है। DSO की तरफ से आज हमने बात रखी है यहाँ पर। पट्टे की जमीन पर लगा गिट्टी क्रेशर। रावगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कूड़े परिचय के ग्रामीण आज पहुंचे जनसुनवाई। यहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें शासन की तरफ से जमीन के पट्टे दिए गए थे, जिस पर सरपंच सचिव द्वारा अवैध रूप से गिट्टी क्रेशर लगा लिया गया है, जबकि शासन द्वारा उक्त जमीन को ग्रामीणों को दिया गया था जिससे ग्रामीण खेती किसानी कर सके। लेकिन सरपंच और सचिव की दबंगई के चलते उक्त जमीन को उन किसानों को नहीं दिया गया। इसी शिकायत को लेकर आज ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई। सर, हमें 2003 में शासन द्वारा पट्टे दिए गए थे झांसी डगराई में, और उस झांसी डगराई की जो ज़मीन है उसमें सरपंच अर्जुन द्वारा और पटवारी उत्तम सिंह द्वारा उसमें क्या किया गया कि गिट्टी थ्रेसर लगाई दी गई हमारी बिना अनुमति के अनुसार। अब उसमें ना हम गरीबों को कोई लाभ मिल रहा है, और सरपंच ने, मैंने किसी के मुँह सुना है कि 12 लाख रुपये उसने खाए हैं, तो वो गरीबों को मिलना चाहिए थी, जबकि उस लोगों उनने खाए जमीन, तो उनने खाए और ज़मीन हमारी है, और उसने मतलब में ये बोल दिया कि उसने कब्जा कर रखा है, कब्जा उनने कर रखा है। तो करीबन कितने लोगों को पट्टे पे जमीन? लगभग 32-64 लोग हैं, महिला और पुरुष करके लिए। तो उस जमीन को उनका कब्जा है? उनका कब्जा है। तो आपने ये कलेक्टर साहब से मिले थे पहले? हाँ, कलेक्टर साहब से पिछले मंगलवार भी मिले थे। क्या बोला था उन्होंने? तो कलेक्टर साहब तो चले गए थे, और अपर कलेक्टर साहब ने बोला कि 3 दिन बाद आपकी जानकारी करके आपको बता देंगे। तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, और फिर ये मंगलवार को फिर आए हम। आगे वार्ड क्रमांक 19 कुसमौदा के निवासी आज पहुंचे जनसुनवाई। वार्ड वासियों का आरोप है कि हनुमान मंदिर से लेकर शमशान भूमि तक जाने की रोड बहुत ही बुरी हालत में है, साथ ही ये रोड कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। वार्ड वासियों का कहना है कि रोड की शिकायत लेकर वे पार्षद के पास भी जा चुके हैं, लेकिन पार्षद उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें वहां से भगा देता है। वही नगर पालिका में भी इस रोड की शिकायत कर चुके, जहां से भी उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, जिसके बाद आज वार्डवासी जनसुनवाई पहुंचे। वार्डवासियों का मानना है कि जनसुनवाई में आने के बाद उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और जल्दी राहत दी जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश में वहां से निकलने का रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाता है। इससे हमारी जो है कि हनुमान जी मंदिर से लेकर शमशान घाट तक की जो सड़क है उसमें गड्ढे हो रहे हैं, और बीच रोड पे ऐसे नाली बह रही है, उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। और जो हम बोलते हैं पार्षद से, तो वो भी हमसे उल्टा सीधे बात करते हैं, हमारी महिलाओं से भी उल्टा सीधे बात करता है, और बाकी अलावा
हम आज भी भंग थे नगर पालिका में, नगर पालिका से हमने किया निवेदन तो नगर पालिका अध्यक्ष साहब बोले के बोले वो तो मैंने इतना काम करवा दिया, जबकि जो हमारी मेन सड़क मानी जाती है हमारे वार्ड नंबर 19 की, वहाँ पर जो कि जो अपना मुर्दा लेकर निकलते हैं वो वाली सड़क की इतनी गहरी स्थिति है, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, बीच बीच सड़क पर से बह रही नाली, और जबकि जो गली गली में से पानी आता है वो ही बह रहा है। इसकी पहले भी शिकायत करी है क्या? उसकी पहले से हमने सीएम हेल्पलाइन में भी की है, और उसके अलावा और जहाँ भी हम आवा तो कोई निराकरण निकला आज तक? कौन निकला? जनसुनवाई में झमझरा गांव से सरपंच प्रतिनिधि पहुंचे। उनका कहना है कि झमझरा पंचायत में एक ही पानी का टैंकर था, जैसे कि आसपास के ग्रामीणों को पानी सप्लाई किया जाता था। वहीं पिपरौदा निवासी कुछ लोग टैंकर को ले गए, जब टैंकर उनसे वापस मांगा जाता है तो वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। वही सरपंच द्वारा इसकी कंप्लेंट थाने में भी की गई, लेकिन इसके बाद ये पंचायत को ना तो वो टैंकर मिला और ना ही उनकी शिकायत का कोई निराकरण हो पाया। इसी के चलते आज सरपंच प्रतिनिधि पहुंचे जनसुनवाई। मेरे गांव में एक पानी का टैंकर था जिससे मैं पांच गांव, मेरे गांव की पंचायत में पांच गांव आते जिस एक टैंकर से पांचों गांव में पानी पिलवाता था, लेकिन एक पिपरौदा गांव के कुछ लोगों ने उस टैंकर को रख लिया है। उनसे जब हम मांगने गए तो उन्होंने बोला कश्मीर जाट अगर बोल देता तो मैं दे दूंगा, और अब कल हम पुलिस लेने गए उस टैंकर को, तो आज हमारी शिकायत करने जनसुनवाई में वो लोग आ गए, सब जो भी सब उसके भयभीत होकर उससे सब लोग हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं। इसी के साथ ही पिपरौदा के ग्रामीण भी पहुंचे जनसुनवाई। ग्रामीणों का आरोप है कि झमझरा के सरपंच द्वारा उनके टैंकर पर चोरी का इल्जाम झूठा लगाया जा रहा है, जबकि ये टैंकर आसपास के ही ग्रामीण क्षेत्र के पानी की सप्लाई को पूरा करता है। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी में पानी की समस्या को देखते हुए चंदा इकट्ठा कर पानी की व्यवस्था की जाती है, उसी पानी से ग्राम के लोगों की प्यास बुझाई भी जाती है। एक बेटे को टैंकर ले गए थे, एक ही लाना है पंचायत का, उसके ले गए सरपंच है, तो इसके बाद एक होने के बाद गांव पे परेशानी थी पानी की बहुत ज़्यादा, 2 किलोमीटर तक कोई पानी नहीं है, पूरे सूखे पड़े हैं पूरे, इसलिए हम वो टैंक को गांव वाले ने चंदा उगा के डीजल ला के पूरे गांव में वितरण करते हैं 10 टैंक डेली की, तो उस पर हम पे आरोप डाला है पूरे गांव पे सरपंच ने, महेश रघुवंशी, अनीता रघुवंशी, उनका पति महेश रघुवंशी हिमजरा, तो चोरी से टैंक ले चुके, तो वहाँ पर पुलिस जाके परेशान कर रही है हम। अच्छा, उन्होंने आप चोरी का इल्जाम लगा दिया? कितने लोगों पे? पूरे गांव में पानी बांटते हैं सब लोगों को, बांटते उसका खर्चा वगैरह कौन उठाता है? तो पूरे गांव वाले ने चंदा इकट्ठा किया है सब लोगों ने। अच्छा, तो आपने उनसे बोला नहीं कि हम तो केवल जन सेवा करते हैं और इस टैंकर से? बोला है ना, फिर भी नहीं माने? नहीं माने, पुलिस जा रही 2 बार पुलिस घूमे आई वहाँ पे। बीनागंज में हुए नाबालिग के अपहरण के 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। वहीं आज इसके लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया है। उक्त आरोपियों से फिरौती के रूप में ली गई 7 लाख में से 6 लाख रुपए भी बरामद किए जा चुके हैं।15 तारीख को लगभग शाम के 6:30 बजे चंचुड़ा बीनागंज में रहने वाले मनीष पालीवाल के उनके सुपुत्र सौम्य पालीवाल का अपहरण किया गया था।
उसमें जो है उस समय हमने पूरी स्थिति पर नज़र रखी थी और परिवार के सभी लोगों से हमने संपर्क किया था और उसमें मनीष परिवार जो है वो अपने जो अपहरणकर्ता थे उनको तकरीबन 7 लाख की प्रॉब्लम के बाद अपने बच्चे को रात में 12 बजे ले आए थे। उसके पश्चात उन्होंने रिपोर्ट करी, उस पर चांचौड़ा पुलिस ने तफ्तीश करी। हमें इस पूरी घटनाक्रम में जब जो कड़ियाँ मिली उनसे उनके आधार पर जो तफ्तीश आगे बढ़ाई गई तो उसमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। क्या नाम शिवम रघुवंशी और सोनू रघुवंशी हैं, ये वही बीनागंज के रहने वाले हैं। इन दोनों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है और इनसे अब तक करीब 6 लाख रुपये हमने बरामद कर लिए हैं। आगे इनसे और तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ करी जाएगी और अन्य इनके जो साथी हैं और उनके बारे में जो है पता किया जाएगा। नाबालिग बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आज सिटी थाना प्रभारी विवेक अस्टाना ने पकड़ा एक नाबालिग। इन सभी नाबालिग बच्चों को काउंसलिंग की जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्चे द्वारा अन्य 2-3 बच्चों के साथ भी अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिसकी शिकायत देकर एक बच्चा आज थाने पहुंचा, जिसके निशानदेही पर बाकी बच्चों को भी बरामद किया गया। हालांकि बच्चों से पूछताछ चल रही है, इसके बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस मामले में है क्या। एक अभी एक नाबालिग बच्चा है करीब 10 वर्ष का, उसने यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ में सूचना दी है। जिस बच्चे के बारे में या जिस आरोपी के बारे में बता रहे वो भी नाबालिग ही है, जो औपचारिक बालक वो भी नाबालिग है। उसके बारे में ये सूचना दे रहे हैं कि इन्होंने उस बालक ने इनके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया है। तो जो बालक आज बता रहे उसके साथ में एक बालक और आया है, उसका भी कहना है कि करीब 10-11 दिन पहले उसके साथ भी इसी तरह का कृत्य उसने किया था। तो इस संबंध में बालकों की से पूछताछ करके और विधिवत प्रथम सूचना दर्ज की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राधोगढ़ के ITI में शौचालय बने खंडर। ITI कॉलेज के प्राचार्य हर समय मेडिकल पर चले जाते हैं, लगातार साल भर से वे ले रहे हैं छुट्टियां। वहीं बताया जा रहा है कि वहां के प्राचार्य महीने में केवल 1 या 2 दिन ही आते हैं, उसके बाद अपनी मेडिकल लगाकर वो छुट्टी पर चले जाते हैं। साथ ही एक और शासन द्वारा स्वच्छता के नारे लगाए जाते हैं, वही स्वच्छ अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसको लेकर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। साथ ही शौचालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है। लेकिन इसी के विपरीत राधोगढ़ में ITI कॉलेज में देखने को मिल रही है अनियमितताएं। यहाँ शौचालय के नाम पर एक खंडर। बता दें कि यहाँ पर शौचालय की साफ सफाई के अभाव में इतनी बुरी गत है, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा शौचालय टूटा हुआ पड़ा है, साथ ही साफ सफाई नहीं हुई है। वहीं ITI बिल्डिंग की अगर बात करें तो वहाँ जगह जगह प्लास्टर भी उखड़ रहा है, कई जगह तो टाइल्स भी टूटी हुई पड़ी हैं। कार्यालय में रखी हुई फाइलें भी धूल खा रही हैं। वहीं कई जगह पर करंटों के जाल ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि मानो किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। जगह जगह गंदगी ही दिख रही है। भवन के फर्श भी जर्जर हुए पड़े हैं। स्टाफ के लोगों ने ITI कॉलेज को मोटरसाइकिल की पार्किंग बना के रखा हुआ है। ITI के प्राचार्य हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। समस्या पर है कि इतनी छुट्टियां लेने के बाद भी प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। यदि उनकी वाकई में इतनी तबीयत खराब है तो उन्हें क्यों ना हमेशा के लिए VRS दे दिया जाए। वहीं खस्ता हाल इमारत में कोई छात्र छात्राएं अपनी भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएंगे, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। कब से नहीं है सर यहाँ पे? प्राचार्य 1 महीने से नहीं है। अच्छा, कहाँ गए सर? छुट्टी पे कहाँ है सर? मेडिकल अवकाश में। अच्छा, कब से? लगभग कब से ऐसा चलता आ रहा है? 1 जून से हैंगे। अच्छा, 1 जून से। इससे पहले ही मेडिकल लगा हुआ उनका? अब उनका रिटायरमेंट हैगा तो अब बस 2-3 महीने बचे उनके। अच्छा, लगभग मतलब कितने समय से चलता आ रहा है? 1 जून से हैंगे ना मेडिकल अवकाश पे। अभी सर आप कुछ टाइम पहले कह आप तो 1 साल की बोल रहे हैं सर, 1 साल तो बीच में अल्टरनेट में आते रहते हैं ना, मतलब 1 साल से ऐसा चलता आ रहा है। एक महीने में कितने दिन आते हैं? अभी उनने जो है 15 दिन का मेडिकल लिया था, 15 दिन बाद फिर ले लिया उनने मेडिकल जो है। अब कब आएंगे कुछ कह नहीं सकते जो है। अच्छा, लीक पे चल रहा है। आपकी जगह उनकी जगह पे आप ही विचार करें। मैं राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट।
कलेक्टर वीजे दत्ता ने किया रावगढ़ क्षेत्र का निरीक्षण, लगभग एक दर्जन विभागों का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने विभाग प्रमुखों के समस्याएं भी जानी और उन्हें उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। छात्रावासों का भी निरीक्षण करने के वहां अनियमितताएं पाए जाने पर उन्हें तुरंत सुधारने की बात भी कही। अपने भ्रमण के दौरान कलेक्टर उत्कृष्ट कल्याण आदिवासी छात्रावास का दौरा भी किया, जहां पर उन्होंने रसोई एवं खेल मैदान में सुधार के आदेश भी दिए। गौरतलब हो कि छात्रावास में खेलकूद संबंधी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में कलेक्टर ने नाराजगी भी जाहिर की। इंटरनेट कंप्यूटर के लिए पैसा आया है? यहाँ के लिए तो अभी नहीं आया है। एसटी वाले में? एसटी में तो कंप्यूटर खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? कंप्यूटर और टीवी खरीदे। कितने कंप्यूटर कितने खरीदे हैं? एक कंप्यूटर एक टीवी। इसमें आया तो सर रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। सहरिया बस्ती से लेकर पूरे पाटन गांव में जूझ रहे हैं लोग जल के संकट से। पाटन गांव में इतना बुरा हाल है कि यहां पर लोगों को पानी पीने के लिए रोज चंदा इकट्ठा करना पड़ता है। या तो वो रोज 200 रुपए इकट्ठा कर पानी मंगाए या फिर 2 किलोमीटर दूर तक जाकर पैदल या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली से पानी लाने को मजबूर है। यहाँ परिवारों को पानी पिलाने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। जो परिवार यहाँ पैसे देने में अक्षम होता है उसको पानी भी नहीं दिया जाता। आलम यह है कि जिस परिवार के पास पैसे नहीं होते वह कई किलोमीटर दूर पैदल जाकर पानी लेके आने को मजबूर है। हालांकि पानी के लिए गांव में 3 हैंडपंप और 1 कुआ है जो कि सूख चुका है। साथ ही में यहां 1 बोर भी है जिसके लिए ग्रामीणों ने कई बार चंदा इकट्ठा कर उसकी मोटर को सुधरवाया है, लेकिन उसके बाद भी पानी के लिए ये लोग मारे मारे ही फिर रहे हैं। धरनादा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। डीजेना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।